करे। जी आज
यहाँ डाक बंगलो सुरन कोट में एक पूर्वकार जो है रैली मनक्कत की गई है, जो कलर से लेकर सुरन कोट डाक बंगलो में कंक्लूड हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का यूनिट, यहाँ के सिविल सोसाइटी मेंबर्स, यहाँ के प्रोमिनेंट एल्डर्स, यहाँ के पहाड़ी लोग, यहाँ के गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, सब लोग जो हैं आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे एक्स सरपंचज हैं, एक्स पंचज हैं, एक्स जो हैं वो म्यूनसिपैलिटी के काउंसलर्स हैं, बीडीसी के मेंबर्स हैं, और उसके बाद बाकी लोग जितने भी यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए, सब ने जो पिछले दिनों आपने देखा कि पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस दिया गया और उसके साथ साथ गुजर बकरवाल लोगों का भी जो राइट है उसको इंटैक्ट रखा गया है। इस सिलसिले में सुरन कोट के आए तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का, माननीय होम मिनिस्टर साहब का, रविंदर रैना जी का, और जितने भी हमारे जो हैं कारकुनान हैं यहाँ के, जिन सब ने इसमें जो है जद्दोजहद की और आज हम जो है अपनी इस मंजिल में कामयाब हुए हैं। ये सब लोग यहाँ जो है गवर्नमेंट, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये पिछले 40 साल की जो डिस्क्रिमिनेशन थी, जो डेसिमेशन थी, जो डिसनमेंट थी लोगों में, और जो एलिमेंट ऑफ एक होपलेसनेस था, आप देखें कि जब 12 तारीख को बिल को फाइनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक्सेंट मिली और गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन आई, तो तमाम पहाड़ी कबीले के लोगों में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई। उसके साथ साथ हमारे गुजर बकरवाल भाई वो भी जो है पूरी तरीके खुश रहे, क्योंकि उनके कोटा से जिस तरह उनकी मांग थी और माननीय होम मिनिस्टर साहब के जो अल्फाज थे रजौरी के अंदर कि गुजर बकरवाल भाइयों का 1% नहीं कम होगा और पहाड़ी लोगों का उनके अलग से कोटा दिया जाएगा, आज आप देखें कि यहाँ तमाम लोग जो हैं उस सिलसिले में, और खासकर मैं कहना ये चाहता हूँ कि 40 साल की जो डिस्क्रिमिनेशन थी आज वो दूर हुई है। आज पहाड़ी गुजर जो है बिल्कुल एक फील्ड पे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे खड़ा है। 40 साल से जो रीजनल पार्टीज यहाँ पर गुजर बकरवाल और पहाड़ियों के नाम पर वोट लेती रही, लोगों को जो है गुमराह करती रही, आज उनका यहाँ सोकड़ा साफ हो चुका है। तो आपने देखा होगा कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ और हज़ारों की तादाद में आज लोगों ने जो है इस रैली की शिरकत की। दिस ऑल इंडिकेट्स के पीपल हैव ह्यूज ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट लेड बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब और रविंदर रैना साहब, जो कि हमारे शेयर और जिन्होंने हमारे इस काज की एडवोकेसी की है। तमाम लोग जो है आज इनका शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे हुए।